नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोटर टॉर्शन। तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं i10 न्यूज के ओनरशिप रिव्यू के बारे में। आप सबसे शेयर करेंगे इस गाड़ी का एक्चुअल ओनरशिप रिव्यू, इस गाड़ी के पॉजिटिव नेगेटिव जो भी जो ओनर का एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे। तो मेरे साथ है रजत जी जो कि इस गाड़ी के ओनर है। और फर्स्ट ऑफ ऑल रजत, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल। थैंक यू। तो रजत, ये बताइए कि न्यूज का कौन सा वेरियंट है और आपको कितने का ऑन रोड पड़ा? तो ये गाड़ी न्योस का स्पोर्ट्स वर्जन है, ग्रैंड i10 न्योस स्पोर्ट्स वर्जन। ये मेरे को ऑन रोड पड़ी 7,25,000 रुपये की। जो मेरे पास पुरानी गाड़ी थी वो मैंने योन की थी, वो 2012 मॉडल थी, वो मैंने 2,00,000 में सेल कर दी। तो मेरे को नेट मेरे को ये गाड़ी मिल गई 5,25,000 रुपये में। तो ये गाड़ी अच्छा है। एक तो इसका एस्टा वर्जन भी आता है जो इससे भी टॉप है, बट प्रॉब्लम ये है कि अपर वर्जन में रेट डिफरेंस ज़्यादा है, फीचर डिफरेंस कम है। क्योंकि सिर्फ इसमें डिफरेंस कितना है, एक तो स्टार्ट पुश बटन है और एक प्रोजेक्टर लैम्प दे देंगे और बैक मिरर पे वाइपर दे देंगे। ये तीन चीज़ें थी और इसमें डिफरेंस था 1,00,000 का। तो मोस्ट मतलब प्रायोरिटी मेरी यही रही कि मैं इस गाड़ी के साथ ही जाऊँ। ओके, तो अपर वेरिएंट के बजाय ये वेरिएंट खरीदने का यही आपका वो कारण था कि उस पे प्राइसेस ज्यादा थे और फीचर्स ज्यादा इतने मतलब नहीं थे। एक तो स्टार्ट पुश बटन हो गया, बैक मिरर पे वाइपर हो गया और एक प्रोजेक्टर लैंप, बस ये तीन चीजें थी और उसमें 1,00,000 रुपए का डिफरेंस था। तो मुझे वो जायज नहीं लगा, इसलिए मैंने स्पोर्ट्स वर्जन लिया। ओके, तो जब आप ये गाड़ी खरीदने वाले थे, प्लान कर रहे थे, तो आपने बाकी गाड़ियां भी इस प्राइस रेंज में कंपैरिजन की होगी, सोचा होगा? सेंट्रो देखी थी, उसका लुक अच्छा नहीं लगा। ओरा भी देखी थी क्योंकि दिसंबर मंथ में उस पर भी डिस्काउंट था, उसका भी लुक अच्छा नहीं लगा इसके मुकाबले। i20 थोड़ी महंगी थी, फिर फीचर में जितना बजट होता है एक नॉर्मल आदमी का उस हिसाब से, तो ये मेरे को बेस्ट लगी इसमें। तो आपने कोई मारुति सुजुकी की कोई गाड़ी ट्राई की थी, स्विफ्ट, बलेनो या कोई और गाड़ी? ये ट्राई तो की थी, पर इनका रेटिंग स्टार सेफ्टी के रीजंस में बहुत मतलब कम था और इनकी बॉडी बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है इनकी बॉडी। ओके, टेस्ट ड्राइव कंपैरिजन किया था किसी गाड़ी का? टेस्ट ड्राइव लिया था, एक तो बलेनो का ही लिया था, एक डिजायर का भी लिया था और एक इसका भी लिया था और एक सेंटर का भी लिया था। तो चारों का ये बेस्ट लगा और ये बेस्ट ले ली दिसंबर के मंथ में। डिजाइन में सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी लगी? डिजाइन में यही लगी, सेंट्रो का नया वर्जन भी आया पर वो उसके मुकाबले थोड़ा मतलब एक तो इसकी विड्थ ज्यादा है और सेकेंडली चौड़ी भी ज्यादा है और साथ में लंबी भी है, तो ये बेस्ट लगी उसी रेंज में। ओके, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए हर एक गाड़ी का रिव्यू लेके आए, ओनर रिव्यू लेके आए और आपको ऑटो वर्ल्ड की हर लेटेस्ट अपडेट दें। तो आप सबसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, हमारे लिए ये 3 काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सर अब ये बताइए कि इस गाड़ी में आपको क्या माइलेज मिल रही है? इसकी माइलेज 20+ के अराउंड मिल रही है जितनी अभी तक मैंने चलाई है, और बाकी माइलेज के लिए तो ये बढ़िया है, एकदम एक नंबर गाड़ी है ये। और इंटीरियर्स की बात करें, आपको इस सेगमेंट में, इस प्राइस रेंज में किसी और गाड़ी के इंटीरियर पसंद आए जितने इसके आए? इंटीरियर में जो ये विंडो स्क्रीन है ये इसकी बहुत अच्छी लगी, मतलब ये काफ़ी साइज भी इसका विजिबल है। सेंट्रो का भी देखा था मैंने, बाकी बलेनो वगैरह में उनके टॉप वर्जन फिर रेट ज़्यादा हाई हो जाता है, फिर स्क्रीन नहीं मिलती जिसमें इस टाइप में, तो बजट और स्क्रीन वाइज इंटीरियर वाइज बेस्ट गाड़ी यही लगी। के वगैरह ऐसा तो नहीं लगता कि ज्यादा महसूस होता है, सस्पेंशन सिस्टम उतना बढ़िया नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चलाने में बहुत स्मूथ है, गाड़ी की आवाज नहीं आती, पता ही नहीं चल रहा है गाड़ी चल भी रही है नहीं, और ड्राइवर एकदम स्मूथ चलाता है इस गाड़ी को। ओके, और खड्डे का साथ में बैठे को ड्राइवर को पता ही नहीं चलता है। और बाकी एडजस्टेबल मिरर है इसमें, स्क्रीन है, DRVM है, जैसे आप पीछे कैमरा लगा हुआ है, अगर बैक गियर लगाओगे तो आप देख सकते हो पीछे कौन कौन सी गाड़ी है। तो पीछे ऐसे घूम के देखने का मौका ही नहीं मिलता, सामने स्क्रीन है, ऐसे बैक करो आप इजीली सब हो जाता है। ओके, और सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो सीटें कैसी लगी आपको इस गाड़ी? सीटें एकदम बढ़िया हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे सब हो जाती हैं सीटें, सारी सीटें ऐसी हैं, हर सीट पे सीट बेल्ट है और बहुत कंफर्टेबल है सीटें अभी तो। ओके, और जब गाड़ी आप चला रहे होते हैं, आपने 100 की स्पीड पे आसपास चलाई है गाड़ी? हाँ, चलाई है। तो आपको कभी ऐसा लगा कि जो बाहर से आवाज जो है, हवा की आवाज, विंड नॉइज जो है वो ज्यादा आ रही है? नहीं नहीं नहीं, नीचे की आवाज, टायरों से कोई आवाज आती है? नहीं नहीं नहीं, वो आने ही नहीं देती है गाड़ी, बड़ी साइलेंट रहता है, बहुत साइलेंट, मतलब बहुत स्मूथ है चलाने में बहुत ज्यादा। ओके,
और चलाते हुए गियर लैग्स का भी ऐसा लगा गियर नहीं, नहीं रहते नहीं हैं। गियर नहीं, गियर तो मतलब बहुत स्मूथ है। और बल्कि ये तो ऐसे होता है कि आप कभी कभी आप क्लच भी छोड़ोगे और रेस भी ना दोगे, तो मैक्सिमम अगर दूसरे गियर पे मैं चला रहा हूँ तो मान लो अगर 15 की स्पीड पे चला रहा हूँ तो कॉन्स्टेंटली 15 की स्पीड पे चलती रहती है आपको। मतलब एक ट्रैफिक चल रहा है तो आपको बार बार रेस देना, क्लच करना, ये सब जरूरत नहीं पड़ती। तो आप सिर्फ ब्रेक पे रखो पैर, हल्की हल्की ब्रेक लगाते रहो, हल्की हल्की रेस, वो अपने आप देगी। तो ये टॉर्क भी मेंटेन रखती है गाड़ी। और यहाँ बात करें म्यूजिक सिस्टम की, कैसा म्यूजिक सिस्टम का बेस लगा? बहुत अच्छा है बहुत और बढ़िया। बहुत बढ़िया, मज़ा आ जाता है। आप लोग भी अगर सुनोगे किसी भी टाइम से तो बहुत मज़ा आएगा आपको और भी। इसके टच में कभी लगा कि लैग आया? नहीं, टच तो रेडियो चलता है, रेडियो भी कभी कभी चलता है, और बाकी मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्ट करके जब हम चलाते हैं तो बहुत मज़ा आता है चलाने में। और जब आप फैमिली के साथ ये गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, आपने कभी ड्राइव की होगी फुली लोडेड गाड़ी, तो पिकअप में कभी ऐसा लगा कि ओवरटेकिंग करते हुए जो है पावर उतनी अच्छी नहीं डिलीवर हो रही इतनी नहीं अच्छी नहीं नहीं? नहीं ये टॉर्क तो मेंटेन रखती है अपना, अच्छा। ये कोई दिक्कत नहीं है इस तरह की वजन ज़्यादा होएगा या नहीं। ऑब्वियसली अगर ज़्यादा वजन डालोगे तो होता है कि पिकअप कम हो जाती है, बट इसमें ऐसा नहीं है। और स्पेस की कहीं कोई लगी दिक्कत कि स्पेस स्पेस गाड़ी में कम है? स्पेशियस गाड़ी है फुल एकदम, एक फैमिली के लिए तो बेस्ट गाड़ी है ये, जो मैं बोलूँगा। और सबसे अच्छी चीज़ इस गाड़ी की क्या लगी आपको, पॉजिटिव्स? एक तो सबसे पहले DRVM है कि मतलब पीछे कैमरा लगा है, तो जब भी आप बैक गियर लगाओगे ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे जो जो भी बैक साइड पे दिख रहा है आपको वो सब सामने दिख जाएगा, तो आपको गर्दन घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती। सेकेंडली ऑटो एडजस्टेबल मिरर है गाड़ी के अंदर, बैठे बैठे ही आप दोनों मिरर एडजस्ट कर सकते हैं। और इसका म्यूजिक सिस्टम भी बहुत अच्छा है, बेस बहुत अच्छे हैं। आगे और पीछे शीशों पे डिफोगर है, मतलब आपकी गाड़ी सर्दी में काफ़ी देर तक खड़ी रहती है, तो एक दो बटन है, रियर बटन और फ्रंट बटन, दोनों बटन दबाया अपने आप शीशे से धुंध सारी साफ हो जाती है, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये तो थे पॉजिटिव्स। अब आपको इस गाड़ी में कमियां कुछ लगी कि कोई ऐसी कमी जो आपको लगता है कि हुंडई को देनी चाहिए थी और नहीं मिली इस गाड़ी में? बाकी सारी तो ठीक है, अगर यहाँ पे फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील होता तो गाड़ी बहुत ज़बरदस्त लगने लगती, और बाकी तो काफ़ी तो ठीक है बाकी तो। तो दोस्तों ये था एक एक्चुअल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू हुंडई i10 न्यूज़ का। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। सो वंस अगेन रजत, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।